आई होप कि सीरिया को मैं सीरिया की जो ब्यूटी है, सीरिया की जो यू नो जो कल्चर है, उसको दुनिया को दिखा पाऊँ मैं। यार कोई बात नहीं, चलता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ओनली कपल्स अलाउड। मोहब्बत करता है तो मैं मतलब हैरान हो गया कि सुनिए कि यहाँ पे क्लब एंड यू नो पब एग्जिस्ट करती है। आई लाइक शाहरुख खान। वेलकम इन सीरिया। मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं आ गया हूँ दुनिया के सबसे पुराने आइसक्रीम शॉप में। एक सूप के अंदर ये आइसक्रीम शॉप है एंड भाई साहब लोगों की भीड़ भाई इतनी है कहने की बात नहीं, लोग बड़े पड़े हैं यहाँ पे। बट यहाँ पर मैं पैसे देने की कोशिश करूँगा, आइसक्रीम की कोशिश करूँगा, देखता हूँ कैसा रहता है इंटरेक्शन। कौन सा लू समझ नहीं आ रहा, इतने वैरायटीज है यहाँ पर। मैं बोलता हूँ उनको अपना बेस्ट दो यार, अपना बेस्ट। कैन आई वन, कोई सुन नहीं रहा मेरी बात भाई। भाई बहुत पैसे आ रहे हैं, मेरी बात को तो कोई सुन ही नहीं रहा यहाँ। भाई एक आइसक्रीम देना। 3,500 मतलब 70 रुपए का है, 70 रुपए का। हाँ सही है, 70 ही है। स्पेशल आइसक्रीम विद विद नट्स बोल रहे हैं तुम। ओल्ड एज आइसक्रीम देने वाले हैं ये भाई साहब अभी मुझे। कौन है ये है, ट्राई करता हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट आइसक्रीम शॉप से। कैसे हो भाई, कहाँ से हो आप? नमस्ते। कहाँ से हो? नमस्ते। चलो ट्राई करके देखता हूँ। तो भाई 70-72 रुपए में मुझे ये मिला है, मस्त दिखने में लग रहा है यहाँ पे। भाई आप कभी गीजा गए हो? गीजा की झुकी मीनार आपने देखा है? वेल अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सीरिया की झुकी मीनार। ये भाई सीरिया की झुकी मीनार, ये टेढ़ा हो रखा है और वहाँ से लोहे के पिलर से इसको रखा गया है। पूरा टाइम ऑलमोस्ट गिरने वाला है। तो कह लो सीरिया की झुकी मीनार और डमास्कस की झुकी मीनार। तो भाई मैं अपने हॉस्टल वापस से आ गया हूँ, होटल वापस से आ गया हूँ एंड यहाँ पर थोड़ा चाय पिया जा रहा है। भाई चाय सीरिया में बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मायने रखता है, ऐसा मिल रहा है यहाँ पे चाय। अभी मैं थोड़ा बाहर जाऊँगा एंड देखता हूँ क्या है बाहर में। ऑलरेडी अंधेरा होने वाला है। यहाँ पे सुना है मैंने कुछ क्लब्स वगैरह भी हैं, तो सोचा चलो नहीं आपको थोड़ा मैं कुछ डिफरेंट साइड दिखाना चाहता हूँ सीरिया का, यू नो कि क्लब्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे वगैरह वगैरह। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी लिबरल कंट्री होगी ये। यहाँ पे लड़कियों को हिजाब पहनना मतलब कंपलसरी नहीं, अगर चाहो तो पहन सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं पहन सकते। जैसे कि रिसेप्शनिस्ट ने हिजाब नहीं पहन रखा है, बट यार सिगरेट बहुत पीते हैं लोग यहाँ पे, लड़का और लड़की सारे लोग सिगरेट पीते रहते हैं। एक एक मतलब हाँ से गाड़ी चला रहे खाते सिगरेट पी रहे हैं भाई, इतना सिगरेट पीते हैं भाई यहाँ के, मतलब हर जगह अलाउड है। इवन इन जॉर्डन इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर अलाउड है, यहाँ पे मॉस के अंदर चलो नहीं पीते हैं लोग, लेकिन मॉस के बाहर हर जगह आपको हर जगह पीते मिल जाएंगे सिगरेट वगैरह। तो यहाँ पे ये सिस्टम है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसा देश वैसा भेज। अरबी कंट्रीज़ में, अरबिक और मुस्लिम कंट्रीज़ में ऐसा कुछ होता है, बट यहाँ पर मैं बार हैं ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट चलो आज जाके देखते हैं कैसा है यहाँ पे बार वगैरह। भाई मैं अपने होटल में हूँ एंड इनसे मिलिए। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सिरीन। सिरीन? हाँ सिरीन, यू वांट टू से एनीथिंग टू इंडियन पीपल? आई अंडरस्टैंड, नमस्ते। नमस्ते। शाबाश। शाबाश, ओके। जिंदगी इज ब्यूटीफुल। आई लाइक शाहरुख खान। एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा था, पीछे से ये आके बोली कि आपके वीडियो में मुझे आना है, मुझे शाहरुख खान से प्यार है ये बोलना है। तो मैंने कहा बोल लें आप, अगर आई डोंट थिंक सो शाहरुख खान मेरी कभी वीडियो देखेंगे, अगर अगर पहुँच गया उनके पास खुद आना खाते कभी। तो बहुत सारे सारे मुझे पता है मैसेज आते रहते होंगे शाहरुख खान को इस तरह के, बट सीरिया से ये प्यार मिल रहा है उनको। बहुत फैन, बड़े फैन है यहाँ के लोग बॉलीवुड के, बहुत ही बड़े फैन है यहाँ। तो भाई ये मैं हूँ सीरिया के नाइट लाइफ में देखने के लिए आता। इस तरफ कुछ पब्स हैं, कुछ बार्स हैं,
मोस्टली यहाँ पे क्लब वगैरह है, बट जो कि थर्सडे को काम करता है। तो मैं मतलब हैरान हो गया यार कि सुन के यहाँ पे क्लब एंड यू नो पब एग्जिस्ट करती है। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था, मुझे नहीं लगा था कि एक वॉर टोन कंट्री में पब्स एंड क्लब्स वगैरह एग्जिस्ट करती होगी, बट देख के मैं हैरान हो गया। लाइक इसके पड़ोसी बट पड़ोसी देश ईरान में अल्कोहल पूरी तरह से बैन है, बट यहाँ मैंने लोगों को, जैसा कि मैंने आपको बताया भाई कि यहाँ पे मैंने लड़कियों को हिजाब में देखा ही नहीं है, मतलब 10% लोगों को, लड़कियों को मैंने हिजाब में देखा है। लोग यहाँ पे गाने बजा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मतलब नॉर्मल है काइंड ऑफ यहाँ पे। तो मैं मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि जब मैं सब गलियों से मैं गुजर रहा था कि यहाँ पे ये सब हाल होगा। तो मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पे ये सब हाल है यहाँ पे, कि पब्स वगैरह हैं, क्लब्स वगैरह हैं हर जगह। बट कोई नहीं, ये इस इंडिया का एक पार्ट है, जो कुछ आज मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे भी लोग क्लबिंग करते हैं, यहाँ पे भी लोग पार्टी करते हैं। हालांकि थोड़ा सा ये अनसेफ वाला पार्ट है, बट यहाँ पे भी लोग क्लब एंड पार्टी करते हैं। लाइक रियली भाई, इस कंट्री से मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, बट मुझे देख के काफी वियर्ड सा लग रहा है, काफी अच्छा सा लग रहा है ये। तो भाई साहब मैं यहाँ पर आया हुआ था, इनके पास तो कुछ खाने को है ही नहीं यार यहाँ पे। अब चलो मैंने ये ले लिया। थैंक यू शुक्रन, वेलकम माय फ्रेंड। From where? India. Hindustan, yeah, India. India from what name? Delhi? No, Delhi. What? I am from Bihar. Bihar? You know Bihar? Yeah. भाई सबको बिहार पता है? अच्छा लगा सुन के। मोहब्बत करता है। सही है भाई, लोग बड़े फ्रेंडली यहाँ के। भाई ये मैं पीछे आया रखा था, मुझे लगा कि चलो कुछ पीते हैं। उन्होंने कहा ओनली कपल्स अलाउड। मैंने कहा भाई मैं अकेले आया हूँ क्या करूँ, इस गरीब और इस गरीब का मजाक उड़ा रहे हो, ओनली कपल्स अलाउड। हाँ मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं। ये है नहीं लाइक यहाँ पे बहुत काफ़ी पब्लिक एरिया है। उन्होंने जब बोला ओनली कपल्स अलाउड तो मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, चलता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ओनली कपल्स अलाउड। बड़ा दुख हुआ बट क्या ही कर सकता हूँ। चलो यहाँ पे जा रहा था, सोचा कि चलो सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़िया के कुछ यू नो अल्कोहल भी ट्राई कर लिया जाए। मतलब मैं जनरली ट्राई करता नहीं हूँ, बट सोचा सीढ़िया में ट्राई कर लिया जाए, बट देखता हूँ क्या होता है। मुझे लगता है कोई बैठ नहीं देगा अकेले, मुझे अकेले यहाँ बैठना अलाउड नहीं है। आपको अब बंदा तो नहीं, बंदी लेके आना पड़ेगा यहाँ पे आपको। तो भाई मैं अपने पीछे आ रखा था, उन्होंने भी सेम बात बोली, यार मेरा मजाक उड़ा जा रहा है। पता नहीं भाई उन्होंने मेरा बोल रहा है कि अकेले अलाउड ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है यार चलो, मतलब यहाँ पे अकेले अलाउड ही नहीं करते, ये क्या बात है। तो मतलब यहाँ पे मैं कहीं बैठ नहीं सकता, अगर आप कुछ खरीद सकते हो, आप कुछ खरीद के आप जा सकते हो, बट यू कांट सिट अलोन हियर। बट वियर्ड सा रूल का इनका यार, कपल अलाउड, बट कोई बात नहीं। भाई फाइनली एक जगह मिल गई जहाँ पर मैं बैठ सकता हूँ, यहाँ पे तो कहीं अलाउड नहीं कर रहे थे, तो मैं बैठ के ये पी रहा हूँ अभी फ्रूटी, ये काफ़ी है अभी। एंड अब मुझे भाई जल्दी से कुछ पी के, यहाँ से पी के निकलना पड़ेगा क्योंकि नींद आने लगी बहुत ज़ोर से। आज सवेरे बहुत जल्दी सो के उठा था ना, नींद आने लगी, बट कोई बात नहीं, यहाँ से फटाफट निकलते हैं। ये भाई साहब बड़े खुश हो रहे हैं, क्या हाल है, ठीक है भाई। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं अभी हम। तो भाई इतनी मशक्कत के बाद मुझे ये मिला है आज, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने क्या ला के दिया मुझे, अच्छा ये ला के दिया है, छोटी सी जगह है, एक्चुअली बड़ी जगह पे मुझे तो कहीं बैठने दिया ही नहीं। ये छोटा सा बर्ड है, ऐसा दिखता है ये बर्ड। ये भाई सब पबजी खेल रहे थे, क्या है भाई पबजी पूरा चल रहा है ना इनका पूरा पबजी चल रहा है। तो भाई साहब मैंने एक बियर पिया, अब मैं थोड़ा फ्रूट्स पी रहा हूँ। भाई यहाँ पे एक बात मुझे और अच्छी लगी जो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ, कि भाई यहाँ पे जो बारटेंडर है वो की लड़की है। मतलब मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस बातों से कि सच कहूँ तो मतलब मेरे मन में सीरिया के प्रति काफ़ी चीज़ थी कि सीरिया में ऐसा नहीं होगा, सीरिया में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। सीरिया में काइंड ऑफ थोड़ा ईरान तो सोच रहा था कि ईरान में जिस तरह यू नो लॉज हैं कि लड़कियों को हिजाब पहनना पड़ता है, अल्कोहल अलाउड नहीं है, सब चीज़ें, तो मुझे लगा तो सीरिया में कुछ ऐसा होगा, बट यहाँ पे आके भाई सब कुछ चेंज हो गया। मतलब मेरा जो पर्सपेक्टिव है सीरिया के प्रति, अफकोर्स इस वॉर टोन कंट्री और सिविल वॉर अभी भी चल रहा है, बट बहुत कुछ चीज़ें सही अभी भी हैं। और भाई ये खाने मिला था साथ में, अब चलता हूँ घर की तरफ। ये ऐसा कुछ नज़ारा है और ये कुछ ऐसा बार है। हेलो
भाई वो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कौन सा गाना, मैंने कहा अरबिक सुन रहे हो क्या, मैंने कहा मुझे अरबिक में सिर्फ ये गाना आता है इंत महलिम, तो उन्होंने इंत महलिम चला दिया भाई। मस्त गाना है भाई ये, मैंने काफी सुना ये दुबई में। तो भाई जो पीछे जो लोग थे मैंने उनको एक बंदे को दिया मैंने पहले लिख के कि मैंने कहा मैंने पता नहीं मैंने पैसे निकाले तो मेरे पास इंडियन मनी निकालोगे। आज जो उस बंदे ने जो मुझे इंडियन मनी दिया था ना तो मैंने निकाला तो बोलती है अरे मुझे भी दो, तो फिर मैंने भी उसको एक लिख दिया। एंड मैं क्या लिखता शुभम का, मैंने लिख दिया नोमैड शुभम। चलो मेरा यही नाम हो गया, मुझे लगता है पासपोर्ट में नाम बदलवा लेता हूँ, लिख लेता हूँ नोमैड शुभम। बट उसके बाद उन्होंने काफ़ी थैंक किया एंड अच्छा लगा भाई उन लोगों से मिलके। एंड उसके बाद मेरा चैनल वगैरह मांगा, फिर मैंने नोमैड से बोला। मतलब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है भाई यहाँ पे लोग। एंड उन्होंने कहा थैंक यू सीरिया आने के लिए वगैरह वगैरह, मैंने भी थैंक्स बोल दिया अपनी तरफ से कि आई होप कि सीरिया को मैं सीरिया की जो ब्यूटी है, सीरिया की जो यू नो जो कल्चर है उसको दुनिया को दिखा पाऊँ मैं, बस बोल दिया यूट्यूब के जरिए। बाकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैं वीडियो में नहीं बोल सकता, लाइक स्पेशली मैं चैनल पे बिल्कुल भी नहीं टॉक करना चाहूँगा पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में, क्योंकि उसका मेन रीज़न है मैं आपको कभी बताऊँगा। यहाँ पे कुछ यूट्यूबर फंस चुके हैं, तो इसलिए यूट्यूब एज ए यहाँ पे मीडिया ले जाता है यहाँ पे एज ए यूट्यूब एज ए कॉजुअल वे नहीं ले जाता इसको। अगर आप यूट्यूबर उसका मतलब मीडिया पर्सन हो तो मैं मीडिया पर्सन कहाँ यार, मैं तो बस पता नहीं क्या यार सीन है। बट कोई नहीं, अब फिलहाल चल रहा हूँ अपने हॉस्टल होटल, आ जाके वहीं पे सो जाऊंगा भाई, काफ़ी जोरों से नींद आ रही है। सीरिया की नाइट लाइफ का भी काइंड ऑफ एंजॉय कर लिया, अच्छा लग रहा है सीरिया आके रियली। आज मेरा पहला दिन है सीरिया में, बट रियली काफ़ी शानदार दिन रहा और मजा आ रहा है सीरिया में। ऑल्सो गाइस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलता है अगले वीडियो में। एंड आपको कल दिखाएंगे और ज़्यादा सीरिया दिखाएंगे, डमास्कस तो मैंने आज को आपको दिखा दिया, मैं आपको और अलग अलग पार्ट्स दिखाऊंगा सीरिया के। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नाम है शुभम नाम है मेरा इंस्टाग्राम पे। आपसे मिलते हैं कल की वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।